अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आफ्ताब नासर जी। डी स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशन को देखा। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है, द फॉलोइंग डेटा हैज़ बीन ऑब्टेंड आफ्टर वेइंग 40 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग क्लास इंटरवल एज साइज एज 5, आल्सो फाइंड द क्लास बाउंड्री एंड मिड पॉइंट्स। तो हमारे पास वो 40 स्टूडेंट का हमने वज़न किया है और वो सारा डाटा 40 स्टूडेंट के वज़न को हमने इस तरह से लिख दिया है, जिसके अंदर हमारे पास 34 भी केजी है, 26 केजी है, 33 है, 32 है, 24, ये सारे हमारे पास स्टूडेंट्स के वज़न लिखे गए हैं। तो हमने करना क्या है, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है जिसके अंदर क्लास इंटरवल का जो साइज़ है वो हमने 5 रखना है। आल्सो फाइंड द क्लास बाउंड्रीज एंड मिड पॉइंट्स, हमने क्लास बाउंड्रीज और मिड पॉइंट भी फाइंड करने हैं। तो पहले हमारे पास सबसे पहले जिसमें जो ज़रूरी चीज़ है कि हमारे पास सबसे पहले इसकी मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, लोएस्ट वैल्यू। तो लोएस्ट वैल्यू हमें पता होना चाहिए कौन सी इसके अंदर है, तो वो हमारे पास है 21। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखें, हाईएस्ट वैल्यू, तो वो हमारे पास है 41। ठीक हो गया। और यहाँ पर अगर साइज़ की बात करें तो वो हमारे पास इधर क्या है जी, 5। मतलब जब हमने क्लास या ग्रुप्स जो बनाना है ना, उसके अंदर उसका साइज़ जो गैप रखना है ना, 5 का रखना है हमने। तो सबसे पहले हमने जो टेबल बनाना है जिसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने 5 कॉलम ले लेने हैं। ठीक हो गया। तो इसमें हमने करना क्या जी, क्लास लिमिट्स हमने लिखनी है। तो सबसे जो मिनिमम वैल्यू वो 21 है, लेकिन अगर हम 20 से स्टार्ट कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इन्होंने हिंट भी दे दिया इधर कि आप 20 से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हिंट ना भी देते तो हम अपनी माइंड से भी जो मल्टीपल 5 है या मल्टीपल 10 है उनकी करीब तरीन जो हमने होंगे तो स्टार्ट कर सकते हैं वहाँ से। तो हमारे पास है जी 20 में अगर 5 ऐड करें तो हमारे पास हो जाता है, 20 को इंक्लूड करना है, 20, 21, 22, 23, 24, 5 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 24। फिर 24 के बाद 25, इसमें 5 ऐड करें तो इसको भी इंक्लूड करते हुए 29। फिर 29 के बाद 30, और 30 में 5 ऐड करें तो 34। फिर इससे नेक्स्ट 35 और हमारा 39 आ जाएगा। मजीद फिर इसमें ऐड करें 5 तो हमारे पास आता है जी, सॉरी, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 39 के बाद होता है 40, और 40 में फिर 5 ऐड करें तो हमारे पास 44 आ जाएंगे। अब क्लास लिमिट्स के अंदर हमने इनकी हमने बाउंड्रीज कैसे बनानी है, क्लास बाउंड्रीज। तो हमने करना क्या है, हमारे पास इसकी जो फर्स्ट जो हमारे पास क्लास है इसकी ये जो फर्स्ट वाली होती है ना, फर्स्ट, इसको हम कहते हैं क्लास के अंदर फर्स्ट जो इसका ये इसकी क्लास लिमिट जो होती है लोअर होती है, लोअर क्लास लिमिट, और लास्ट वाली इसकी अपर क्लास लिमिट। हमने अपर क्लास लिमिट ले लेनी इसकी, तो वो हमारे पास 24 है। ठीक हो गया। और इससे नेक्स्ट हमारे पास जो है वो लोअर क्लास लिमिट 25 है, तो हमने 25 में से 24 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें आंसर मिला 1। तो हमने इसको 2 पे डिवाइड कर लेना, तब 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.5। अब 0.5 हमने क्लास बाउंड्री बनाने के लिए हमने इस लोअर क्लास लिमिट्स में से सब्ट्रैक्ट करता जाना है, अपर में ऐड करता जाना है। तो इसमें सब्ट्रैक्ट करने तो हमारे पास आता है 19.5, और इसमें अगर ऐड करें तो हमारे पास 24.5। इस तरह इसमें सब्ट्रैक्ट करें 24.5, और इसमें ऐड करें 29.5, इसमें सब्ट्रैक्ट करें तो 29.5, और इसमें ऐड करें तो 34.5, इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आ गया 34.5, और इसमें से ऐड करें इसके साथ तो ये आ जाएगा 29.5, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आ गया 39.5, और इसको इसके साथ ऐड करें तो हमारे पास 44.5 आ गया। अब टैली मार्क्स हमने 20 और 24 इनको इंक्लूड करते हुए और इनके दरमियान हमने वैल्यूज देखनी, जितनी वैल्यूज होंगी उतना मार्क लगा देंगे इसके। वो कैसे लगाने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले 20 और 24 को शामिल करते हुए इनके दरमियान वाले भी नंबर वो हम मार्क करते जाएंगे जितने होंगे। तो देखें सबसे पहले 20 और 24 इंक्लूड करते, 24 1 2, इसके बाद 3 4 5 6, तो हमारे पास 6 मार्क आए हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 4 लिख कर उसको ऐसे बांध करके 5 हो गया, और एक आ साथ हमने 6 वाला लिख लेना। इस तरह से इसका बांध लगाते जाएंगे, इनको काउंट करना ज़रा आसान रहेगा हमारे लिए। नेक्स्ट 25 और 29, तो 25 से लेकर 29, 1 2 3 4 5 6 7 8
दोबारा कर देख लें हम एक दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 आ गए जी इधर हमारे पास, तो हम इधर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। नेक्स्ट 30 34, तो 30 34 के दरमियान 1 2 3 3 4 5 6 6 7 8 8 9 10 11 11 12 12 आ गया, 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5 और 5 5 10 और 12 हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 35 39, 35 हमारे पास कहाँ से, कहाँ पर है 35 35 35 से लेकर 39 तक, तो 1 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 9, 1 2 3 4 5 और 4 9 हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट 40 और 44, तो 40 और 44 1 2 3, तो ये हमारे पास आ गया 1 2 3, तो यहाँ पर हम इसको काउंट कर ले। अब ये हमारे पास लिखे हुए हैं उनको हम फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी तादाद होती है, तो कितनी तादाद इनकी जी 5 और 1 6, इनको ऐड किया 10, ये हमारे पास आ गया 12, और ये हमारे पास देखो 5 4 9, और ये हमारे पास आ गया 3, तो अब हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है जी 16, अब हमारे 40 थे तो हम काउंट कर देखें 16 16 16 और 28 28 और ये पूरे 40 हो गए, ठीक हो गया। अब मिड पॉइंट से आ गया नेक्स्ट कॉलम हमारे पास, मिड पॉइंट क्या होता है जी, हमारे पास अप लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट को ऐड करना है, हमारे पास कौन सी है जी 20 प्लस 24, इनको ऐड करके 2 पर डिवाइड कर देना, ये हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा। तो इनको ऐड किया तो हमारे पास आ गया 44, और 2 पर डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 22, तो हमारे पास इसका मिड पॉइंट क्या आया जी 22। इस तरह इनको ऐड करेंगे तो इनका मिड पॉइंट 2 पर डिवाइड करके इनका मिड पॉइंट निकालेंगे, तो हमारे पास 25 और 29 है। अगर हम कैलकुलेटर हो तो हम जल्दी आसानी से इसको कर लेंगे, तो हमारे पास क्या है जी 25 प्लस 29 डिवाइडेड बाय 2, हमारे पास आ गया 27। नेक्स्ट हमारे पास है 30 34, 30 प्लस 34 डिवाइडेड बाय 2, हमारे पास आ जाएगा 32। नेक्स्ट हमारे पास है 35 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2, हमारे पास आ गया 37। नेक्स्ट हमारे पास है 40 प्लस 44 डिवाइडेड बाय 2, हमारे पास आ गया 42। ये मैंने मिड पॉइंट्स फाइंड कर लिए। नेक्स्ट इससे उसने साथ ही कहा था आल्सो मेक अ लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने इसके बाद लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का भी हमने एक कॉलम बनाना था, तो उसके अंदर हमने क्या करना है, हमने इसका जो हमारे पास है इसके कॉलम बन जाएंगे 1 2 3 4 5, इसमें हमने क्लास बाउंड्रीज तो वही लिखनी जो हमने पहले लिखी हुई है, तो क्लास बाउंड्रीज हमारे पास कौन कौन सी हैं वो लिखेंगे 19.5 और इसके बाद 24.5 24.5 और 29.5 उसके बाद 34.5 उसके बाद 34.5 और उसके बाद 34.5 और उसके बाद 39.5 और नेक्स्ट हमारे पास आ गया 39.5 और 44.5, क्लास बाउंड्री वही होगी। और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो भी वही लिखेंगे हम, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास इधर कौन सी आ गई 6, उसके बाद 10 12 9 और 3 आ गया। अब नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, लास्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था उसके अंदर मैंने बताया
क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, हमारे पास जो रनिंग फ्रिक्वेंसी होती है उनको ऐड करते जाना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम के अंदर, फर्स्ट रो के अंदर हमारी फ्रिक्वेंसी वो 6 ही है। नेक्स्ट 10 आ रहा है, 6 को 10 में ऐड करें तो हमारे पास आता है 16, या आप ऐसे साथ लिख भी लें 10 प्लस 6, तो ये हमारे पास आ गया 16। फिर इसको 12 के साथ, इधर हम पहले 6 लिख लेते हैं, 6 प्लस 10 तो 16 हो गया। फिर 16 को हम ऐड करें इस 12 के साथ तो हमारे पास आ जाता है जी, ये आ जाएगा 28। फिर आ गया 28, इसको नेक्स्ट वाले से ऐड कर लें तो हमारे पास आ जाता है 37। फिर 37 आ गया, अब इसको इस 3 में ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है 40। तो 40 स्टूडेंट थे, तो हमारे पास उसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी एट द एंड में मिली वो 40 मिल गई, टोटल फ्रिक्वेंसी की बात करें इसमें। तो नेक्स्ट हमारे पास क्लास बाउंड्री। अब हमने जो कॉलम, ये टेबल टेबल हमने जो बनाया था, ये हमारे पास था लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का। तो इसमें हम लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के साथ हमने क्या करना है, इसकी जो हमारे पास अपर लिमिट क्लास है ना वो लिखते जाएंगे साथ साथ क्लास बाउंड्री की। तो हमारे पास इधर आ जाएगा लेस देन, तो वो कौन सी हमारे पास थी 24.5। फिर नेक्स्ट लेस देन, इधर हमारे पास आ गया 29.5। नेक्स्ट हमारे पास है लेस देन 34.5, लेस देन हमारे पास आ गया 39.5, और नेक्स्ट हमारे पास लेस देन ये आ गया। नेक्स्ट हमारा सीएफ होता है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, सेम आपने वही लिख लेनी है इसके अंदर। जैसे हमारे पास 16 है, उसके बाद सॉरी पहले 6 है, फिर उससे नेक्स्ट हमारे पास 16 है, फिर उसको ऐड किया तो हमारे पास आ गया 28, फिर उसमें ऐड किया 37, और फिर लास्ट पे 40 आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास इसका लेस देन वाला टेबल बन गया। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें हमने 2 टेबल बनाए। पहले हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का बनाया, फिर हमने लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है इस डिस्ट्रीब्यूशन का हमने टेबल बनाया। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।